हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा ब्लॉग्स और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम देश की एक ऐसी बेटी की बात करेंगे जिन्होंने जो एग्ज़ाम दिया उसी में अच्छी रैंक हासिल की। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हो तो हर एक कठिन से कठिन परीक्षा भी पास की जा सकती है। ऐसा ही कहानी गुजरात की रहने वाली स्तुति खांडवाला की है, जिन्होंने नीट, एम्स, जिपमर, जेई मेन और बहुत सारी स्कॉलरशिप एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्रैक किया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सूरत की स्तुति खांडवाला ने किया कमाल, एक साथ क्रैक किए नीट, जिपमर, एम्स और जेई एग्जाम। सूरत की 18 वर्षीय लड़की स्तुति खांडवाला ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो किसी के लिए भी कर पाना न मुमकिन के बराबर है। स्तुति ने जेई मेन, नीट, जिपमर और एम्स टेस्ट समेत कई एंट्रेंस परीक्षाओं को एक ही बार में पास किया है। नीट 2019 में ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से 71वीं रैंक है इनकी। एम्स एमबीबीएस 2019 प्रवेश परीक्षा में 10th रैंक हासिल की है इन्होंने। इसके बाद में जो जेई मेन की एग्जाम हुई थी जो 2019 की, इन्होंने 1086 रैंक हासिल की है। इसके अलावा भी इन्होंने स्कॉलरशिप एग्जाम पास की है। टॉप रैंकिंग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद देश भर के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में स्तुति की मांग बढ़ गई है। किसी एक को चुनने की बात पर स्तुति ने मीडिया से बात की और कहा, मैंने अपने शिक्षकों और माता पिता से बात करने के बाद MIT में रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेने का फैसला किया है। बता दें कि स्तुति ने राजस्थान के कोटा में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। देश में सबको गर्व महसूस कराने वाली स्तुति अब अमेरिका में MIT में रिसर्च प्रोग्राम में ये पढ़ाई करेंगी। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि स्तुति ने 12वीं कक्षा के साथ 685 मार्क्स गेन करके नीट क्रैक किया है। अमेरिका की जो MIT एग्जाम है उसमें 1600 में से 1560 मार्क्स अर्जित करके देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही हार्ड होता है। NTSC में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके चलते 15,000 रुपये एनुअली इनको स्कॉलरशिप मिलती है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में भी इनको 20,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है और 5,000 रुपये पर मंथ छात्रवृत्ति मिलती है इनकी। 12वीं क्लास में इन्होंने 98.80 मार्क्स प्राप्त किए हैं और राजस्थान बोर्ड में इन्होंने सेकंड टॉप किया है। अभी स्तुति जुलाई में सिडनी जाने वाली हैं। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी द्वारा इंटरनेशनल साइंस स्कूल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके लिए इंडिया के 5 बच्चों को गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है जिसमें स्तुति का नाम है। इस प्रोग्राम में इंडिया की तरफ से 2 वीक के लिए ये सिडनी जाएंगी। तो दोस्तों, ये कहानी है स्तुति खांडवाला की, जिन्होंने हर कदम पर सफलता हासिल की है। तो आप भी मेहनत करो, जज्बा रखो कुछ करने का, अवश्य ही आप सफल होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।